हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फैक्टर थ्योरम ना। तो फैक्टर थ्योरम में कैसे आप ये पता लगाते हो कि द गिवन वैल्यू इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल और नॉट, वो फैक्टर है कि नहीं उसका, ठीक है। और यहाँ पर किस तरीके से किसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन भी हम लोग करते हैं बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो फर्स्ट लर्न अबाउट द फैक्टर थ्योरम। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है एंड डिग्री, जो डिग्री होगी उसकी वन या वन से ग्रेटर होनी चाहिए ना। पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री तो वन या वन से ग्रेटर ही होगा। हम लोग जीरो लिख देंगे तब तो वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो दैट मींस पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन एंड ए। देखो यहाँ पर एक वैल्यू लिया है, ए इज एनी रियल नंबर, ठीक है। ए को क्या बोला, एक रियल नंबर है। तो दो कंडीशंस हो सकती हैं कि जो वैल्यू आपका ए है उससे जो आपने एक पॉलिनोमियल बना लिया एक्स माइनस ए, ठीक है। तो एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। अगर ए कोई वैल्यू है, रियल नंबर है किसी पॉलिनोमियल का, अगर वो फैक्टर होगा, ठीक है, उस केस में जो पी ए की वैल्यू होगी उस पे जो रिजल्ट होगा पॉलिनोमियल का वो क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान दीजिएगा कि किसी पॉलिनोमियल में कोई आप रियल वैल्यू पुट करते हो, जैसे सपोज कर लो एक्स इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू किसी पॉलिनोमियल में आपने पुट किया तो एक्स इक्वल टू पुट करने पे रिजल्ट क्या हो गया, जीरो। एक्स माइनस टू, एक्स इक्वल टू है इधर एक्स की तरफ आएगा तो क्या बनेगा, एक्स माइनस टू। तो x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसी के जस्ट अपोजिट हम लोग ये भी कहते हैं सेकेंड पार्ट में कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर, अगर पहले से हम लोग को बता दिया कि x माइनस टू क्या है, उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो x माइनस टू से x की वैल्यू निकालेंगे, जीरो निकालेंगे x का, तो x इक्वल टू टू आएगा। तो उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू टू पुट करने पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। फाइनली आपको ये समझना है कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी हो पॉलिनोमियल है। अब आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू इसमें ए पुट कर दी, एक्स की वैल्यू ए पुट कर दी। तो जब ये ए पुट किया तो ए पुट करने में इसका रिजल्ट क्या हो गया, जीरो। तो अब ए पुट करने पे जब रिजल्ट जीरो हो गया तो जो ये एक्स इक्वल टू ए है इससे आप बना लोगे फैक्टर एक्स माइनस ए। तो एक्स ए को एक्स की तरफ लाते हैं, एक्स माइनस ए क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा ना। लाइक द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में भी थोड़ा सा कुछ ऐसे ही करते थे कि वहां पे भी वैल्यू पुट करते थे तो आपको क्या मिलता था, रिमाइंडर मिलता था, ठीक है। ध्यान दीजिए वहां पे रिमाइंडर मिलता था, लेकिन वही रिमाइंडर जब जीरो हो जाएगा मतलब परफेक्टली डिविजिबल होगा। फैक्टर क्या करता है, किसी पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर जीरो कर देता है। फैक्टर पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड कर रहे हो उसके फैक्टर से तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो सेम थिंग वी आर डूइंग हियर कि जो फैक्टर दिया हुआ है चेक करना है आपको, तो वहां से एक्स की वैल्यू ए निकाल लीजिए, यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ए ही आएगी, और पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो जो रिजल्ट है क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर जीरो है तो जो फैक्टर आपका एक्स माइनस ए है वो मतलब जो एक्स माइनस ए पॉलिनोमियल है वो उस गिवन पॉलिनोमियल का डिविडेंड का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ओके, नाउ वी विल क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट विद सम क्वेश्चंस। या कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जिसको हम लोग यूज करके क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे ना। क्विकली वी कैन सी सम क्वेश्चंस। चलो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, चेक एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो ये पॉलिनोमियल दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, चेक करना है एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है ना। हम लोग लिखेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना। तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ एक्स प्लस वन। तो जीरो ऑफ एक्स प्लस वन निकालोगे तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन। तो जो चेक करना है एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का, पहले उसको आप एक्स प्लस वन को जीरो ले लो, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस वन। अब आप पॉलिनोमियल लिख लो पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है ना। क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी माइनस वन इज इक्वल टू
माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन, तो क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, माइनस वन आएगा, प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन एंड प्लस वन सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x plus 1 is a factor of the polynomial, and we can write it x plus 1 is a factor, is a factor, clear? तो x plus 1 क्या हो गया, इस given polynomial के factor हो गया। चलिए second question में आते हैं, देखिए result क्या हो गया, 0 हो गया, that means factor है, done? In next question can see it is written that find the k, ये k की values बाहर निकालनी है और कह रहा है x minus 1 क्या है, इसका एक factor है, मतलब already बता रहा है x minus 1 इसका factor है already, ठीक है ना। अगर इसका एक factor है तो value put करेंगे जब x की, x minus 1 से x की value इस polynomial में put करेंगे तो result क्या होना चाहिए, 0, because it is given that x minus 1 is a factor of the polynomial और k की value निकालनी है, ठीक है। चलो यहां लिख लेते हैं, x minus 1 is factor of x square plus x plus k, इस polynomial का ये factor है, तो हम लोग यहां पे 0 इसका निकालेंगे, x minus 1 equal to 0 ले लोगे तो x की value कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, x की value आपको 1 मिल गई, x की value 1 मिल गई तो आप factor theorem use करो, क्योंकि x minus 1 अगर एक factor है तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे फैक्टर का जो पॉलीनोमियल का रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0 हो जाएगा। तो p यहां लिखो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम यूज कर लिया आपने, क्या हो जाएगा, p x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब जैसे ही आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो p 1 x की वैल्यू 1 पुट किया, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू क्या ले लिया, 0। ये 0 कैसे ले लिया, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, क्योंकि अगर x minus 1 इसका फैक्टर है तो x की जो वैल्यू है इसको पुट करने पे रिजल्ट 0 होना चाहिए, तो वी कैन टेक 0। जब रिजल्ट क्या होना है, ये हो जाएगा 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या हो गई, -2, ठीक है ना। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, वी हैव डन। नाउ इन थर्ड क्वेश्चन, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर तो आपने किया ही था पहले, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर्स आपको आता है, ठीक है। नाउ वी विल यूज द फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, कैसे हम लोग इसको फैक्टर करेंगे जरा देख लेते हैं। ओके, नोट डाउन दिस सॉल्यूशन, डन, डू द थर्ड क्वेश्चन। अब देखो यहां पे फैक्टर थ्योरम को यूज करके फैक्टराइजेशन करना है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर करो, तो इसका फैक्टर अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना होता तो ये प्लस के साइन है, यहां पर आप देख रहे हो 6 है और यहां पे 1 है, 6 का प्रोडक्ट जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 और 3, 2 और प्लस 3 से 5 बन रहा है, मींस अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना होता तो सिंपली हम लोग इसको ऐसे आसानी से कर सकते थे, 2 प्लस 3 x प्लस 6, तो यहां से जाता है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, ये हो जाएगा x, x माइनस 2 और यहां माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 और ये हो गया x माइनस 3 और x माइनस 2, ये फैक्टर आपको आता है, ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन जो आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है। अब आपको इसको नहीं यूज करना है, ये हमने आपको करके दिखाया, दिस इज वन ऑफ द वे टू फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बट इस बार हम लोग को क्या करना है, फैक्टर थ्योरम यूज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, रफ कर दे इसको, ठीक। अब देखो क्या करना है, इसमें फैक्टर थ्योरम यूज करना है, तो फैक्टर थ्योरम में सबसे पहला काम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, आप क्या करिए, क्वाड्रेटिक को, क्यूबिक को, कोई भी इक्वेशन हो, सबसे पहला काम आप जो हायर डिग्री वाला टर्म है, जैसे x स्क्वायर इसका डिग्री क्या है, पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो इसका कोफिशिएंट जो हायर डिग्री का कोफिशिएंट आप 1 बना दो, देखो यहां तो ऑलरेडी 1 है, सपोज करो यहां 3 होता तो यहां से 3 को डिवाइड करके पूरे में 3 हटा देते यहां से, तो यहां से देखो ये 1 है। अब जब ये 1 है, x स्क्वायर या जो हायर डिग्री का कोफिशिएंट है उसका कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए, उस टाइम में जो आपका कांस्टेंट है उसका प्राइम फैक्टर लिख लो, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे
फैक्टर या फैक्टर में लिख दो सिंपली फैक्टर्स ऑफ सिक्स, क्या क्या फैक्टर मिलेगा आपको, वन मिलेगा, टू मिलेगा और थ्री मिलेगा, ठीक है, वन टू थ्री आपके फैक्टर्स हो गए। अब आपको क्या करना है कि इनकी वैल्यू को इसमें पुट करके चेक करना होता है, और इसके साथ आप इसमें प्लस माइनस भी ले सकते हो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, मतलब जो फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं वो प्लस माइनस साइन के साथ आप उसको यूज कर सकते हो। तो पहले हम प्लस वाला देख लेते हैं, नहीं तो माइनस पे भी देख लेंगे। तो वन टू थ्री फैक्टर्स को जरा चेक करो कि इसके किस पे जीरो आता है ना, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग किस पे जीरो आता है। तो वो पी एक्स इज इक्वल टू आपने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो आप देखिए पहले वन पुट कर लेते हैं, वन पुट किया आपने, वन का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन प्लस सिक्स, तो क्या ये जीरो हो रहा है, ये जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट टू पे चेक कर लीजिए, पी टू इज इक्वल टू टू का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स, जरा ये देखो क्या हो रहा है, ये जाएगा फोर और ये प्लस सिक्स टेन और माइनस टेन, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया। थर्ड वाले को भी चेक कर लीजिए, पी थ्री इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर माइनस फाइव इंटू थ्री प्लस सिक्स, अभी देखो क्या हो रहा है, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन और ये भी फिफ्टीन, ये भी जीरो हो गया। अब देखो टू और थ्री पे जीरो आपको मिल गया, जब टू और थ्री पे जीरो मिल गया तो इसका मतलब टू और थ्री क्या है, इसके जीरोस हैं, तो वहां से हम लोग फैक्टर बना लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री आर जीरोस है ना ऑफ पी एक्स, ये पॉलिनोमियल पी एक्स क्या हो गए, जीरोस हो गए। अगर ये जीरोस हैं तो हम इसके फैक्टर को भी लिख सकते हैं, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस टू और इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस थ्री है ना। तो कैसे लिखेंगे, रफ करके लिख दिया जाए, ओके नोट कर लिया है, नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर लो, डन। अभी देखो क्या करेंगे कि यहां पर जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे, तो ये एक्स इक्वल टू है तो इसको इधर लाओ एक्स माइनस टू आएगा, तो x माइनस टू इज अ वन ऑफ फैक्टर और दूसरा हो जाएगा x माइनस थ्री। तो ये देखो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, देखो यहाँ फैक्टर थ्योरम ही तो लगा कि वैल्यू पुट करके चेक किया ना किस पे जीरो हो रहा है, तो जिस पे जीरो हो रहा है वो जीरो हो गया उस पॉलीनोमियल का, और वहां से हम लोग फैक्टर बना सकते हैं। तो लाइक दिस वी कैन फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल्स आल्सो। तो उसको रिवाइज करिए, इस पे जो एक्सरसाइजेस बुक में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी है, आरएस अग्रवाल है, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू द सम मोर टॉपिक्स है ना, ओके थैंक यू।